बस उतारे मजा तो खूब आ रही है। किनारे यही सही है, साइकिलिंग कर रहे हैं। बैठी कहाँ है? इतनी गर्मी में जिग्गी लेके आई है हम लोग को यहाँ पे। यहाँ बंदर भी हैं अभी, इनको माने कि ये खुद पकड़ के करे, बट अभी तुम कैसे कर सकती हो भाई? अगर ये लोग अंदर को छेड़ेंगे तो फिर दिक्कत में आएंगे, और इनकी वजह से सभी दिक्कत में आएंगे। और इससे हम लोग करें एक बार सुगाई जी की नहीं मानी तो हम लोगों को दिन में 4 बजे ही पार्क जाना पड़ा, और वहाँ पे जितनी भी मशीन लगी हुई हैं एक्सरसाइज वाली और ये सब नई हैं। 2-3 झूले हैं वहाँ पे जो पुराने हैं, बाकी सब नया है। तो जिग्गी उन्हें झूले बोलती है तो हम लोग भी उसके चक्कर में झूले ही बोलने लगे, और हम लोगों ने भी थोड़ी मस्ती करी। ये जिग्गी कर लेती है ये वाला। यो जिग्गी यो, ये सब मिल जाएंगे खाली, है ना? और क्या, वापस जाके आराम से बैठो, चाय पानी पियो। और पानी लाना तो भूल ही गए। अब चलो फिर घर चले। पानी अब नहीं लाएंगे, अब कल आएंगे। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ दूर दूर से आना। क्या हुआ? घुटने, और वो घुटने के लिए तो वो भी अच्छा है, उधर जो उसके बगल में है वो भी अच्छा है। करो करो मुनिया, देखो देखो इधर जी की, देखो यहाँ देखो। केस पे स्लाइड करेगी जाकर, कल भी कर रही थी ना। गाइस तो मैंने दिखा दिया आपको सारे झूले, और यहाँ पे लखनऊ में बहुत सारी पार्क में लग रहे हैं ये सब झूले, जितना सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी जगह पे लगे हुए हैं। तो आप लोग बताइए क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा कुछ चल रहा है? तो सही है, यहाँ जो बैठते हैं उनको सही लगता होगा, तो बीच बीच में कर लो। देखो कितना प्यारा लग रहा है, नहीं दूर से देखो, बस उनको करना सब है। ये 4 ही बजे मुकुल ज्यादा तो है वैसे, 5 बजे, 4 और 5 में फर्क ही कितना है, 4:30 तो हो ही रहा है। हाँ हाँ।
बेटा उधर नहीं जाना, उधर बंदर है ना। The next day. दोनों देखिए बेटी चरखा चला रही है और माँ साइकिल में पंप हवा भर रही है। बहुत बिंदास झूले लगे हैं, बहुत ही एक्सरसाइज वाले लगे हुए हैं यहाँ पे। कोई मतलब नहीं है, केवल लगा दिया है। हाथ पैर नेक्स्ट डे हम लोग शाम के टाइम गए थे तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी और उसके बाद वापस निकलते निकलते अंधेरा हो गया। वैसे सामने ही पार्क है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट हम लोगों को जाना था मुनियादी को स्टेशन छोड़ने। हम लोग को नहीं जाना था बट ये था कि पापा घर पे थे और खाना वगैरह बना दिया, फिर हम लोगों को ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं मेट्रो से ही जाना है। तो जिग्गी ने कहा हम भी जाएंगे, महिमा मुकुल तो जा ही रहे थे तो जिग्गी ने जिद करी, फिर सब लोगों ने कहा तुम भी चलो तो बस मैं भी चली गई। और स्टेशन जाने से पहले जिग्गी के कपड़े चेंज कराए और फिर वो खेल रही थी, खाना खजाना पता नहीं क्या क्या करती रहती है, चाय बनाती है, दाल चावल बनाती है, तो बस वही खेल रही थी। सारे काम हो गए थे तो हम भी फ्री बैठे हुए थे। बाकी ट्रेन लेट थी हल्द्वानी की, लेट क्या वो देर में ही जाती है, आई थिंक 11:30 बजे, तो उस हिसाब से जाना था तो बहुत टाइम था। हम लोग भाई दिगिशा ने मेरे लिए बनाया है, क्या बनाया बेटा ये? ये क्या क्या दाल चावल बनाया है तो इसको मैं अभी खाऊंगी। जी आप भी खाओ, खाओ नींबू भी, नींबू भी डाल दो। नींबू भी डाल दिया है मेरे दाल चावल में क्योंकि मैं दाल में नींबू डालती हूँ, रिंकी भी डालती है और हम लोग ऐसे खा लेंगे। खट्टा तो हो जाता है दाल चावल में नींबू डालते, बहुत यम्मी सा बन जाता है। ओहो इतना खट्टा लग रहा है, देखिए आप लोग कितना खट्टा लग रहा है, कितना खट्टा लग रहा है, सोचिए जरा जब जिग्गी को कितना खट्टा लग रहा है तो हमको कितना खट्टा लगेगा। आह हाँ 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 देखिए बहुत खट्टा है, पकड़े रहना बस। देखिए बार बार नहीं भागो, और ये वापस आते वक्त जिग्गी ने करी थोड़ी मस्ती मेट्रो में। सो गाइस आई रियली होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।